हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे हों। और फ्रेंड क्या हाल चाल हैं आप सब लोग के। मेरे तो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड। मैंने खाना वाना भी खा लिया है। आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है? अगर नहीं खाया है तो खा लीजिएगा। पता है फ्रेंड, मैंने कल आप लोगों के मैसेज देखे हैं तो बहुत लोग के मेरे से शिकायतें थी कि आप लोगों ने आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो फ्रेंड इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत लोग का नाम नहीं ले पा रही हूँ। छोटा सा वीडियो रहता है तो कितने लोग का नाम लूँ, तो मैं सोची हूँ कि कुछ कुछ लोग का मैं नाम ज़रूर लूँगी अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड पता है, मैं रात में बहुत देर के बाद सोई। मुझे 12 एक बज गया सोने में। तो मैं सोच रही थी कि मतलब बहुत लोग मेरे बारे में ये चीज़ बोलते हैं कि लड़कियों को इस लाइन में नहीं जाना सही होता है, अच्छा नहीं होता है, ये होता है वो होता है। तो मैं सोचती थी कि यार मतलब लोग कितना सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। पता है फ्रेंड कि मैं सोच रही थी कि मैं इतना मेहनत करती हूँ इसके पीछे, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊँगी नहीं बढ़ पाऊँगी, कि क्योंकि फिर बाद में सबकी तो फिर वही बातें सुनने को मिलेंगी। अगर बढ़ गई तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, अगर नहीं बढ़ पाई तो सबके मुंह खुल जाएंगे बोलने के लिए। बहुत कुछ बातें मैं सोच सोच के एकदम परेशान थी। मुझे 1:30 बज गया सोने में, पता है। तो फिर उसके बाद मुझे ना मुझे ये लगा कि यार बचपना कितना अच्छा था। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। आदमी बस खाया पिया सो गया, पढ़ा लिखा। लेकिन अब क्या होता है, बचपन में किसी की बातें ना माइंड में सेट नहीं होती थी। अब क्या होता है, सबकी बातें ना माइंड में सेट हो जाती हैं, यहाँ पे जाके जल्दी भूलती नहीं है। और बचपन में क्या था, सबकी बातें आदमी आसानी से भूल जाता था। किसने क्या कहा, कब कहा, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, सबकी बातें ना माइंड में सेट हो जाती हैं, भूलती ही नहीं है। और पता है फ्रेंड, जब मैं बचपन में मूवी देखती थी तो मुझे लगता था ना कि लाइफ बहुत इजी है, लेकिन बट इजी नहीं है। लाइफ बहुत उलझी हुई है, बहुत उलझी। मतलब जिसको कहते हैं ना, वो उलझी है। जैसे उसमें 3 घंटे में दिखा देता है, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी आदमी बहुत तकलीफ स्ट्रगल कर रहा है, कभी बहुत प्रोग्रेस कर लिया। बट ऐसी लाइफ नहीं है आज यहाँ पे। तो लाइफ में अगर अगर आदमी स्ट्रगल कर रहा तो स्ट्रगल ही बेचारा का करते रह जाता है। भगवान जल्दी मदद ही नहीं करते। भगवान क्या, आजकल इंसान भी मदद नहीं करना चाहते। हम बहुत लोग को देखे हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी, तो मैं थी, मेरी सिस्टर थी, चचेरी सिस्टर थी, तो हम लोग दोनों लोग जा रहे थे। तो एक बूढ़े बुजुर्ग थे बेचारे, उनका बैग बड़ा भारी था। उनका कोई बैग, मतलब ट्रेन हल्का फुल्का जैसे धीमी गति से खुल जाती है, खुल गई थी। तो किसी ने उनका बैग उठा के ट्रेन में नहीं रखा। वो बेचारे उठा रहे हैं रख रहे हैं। तो मैंने देखा कि कोई उठा के नहीं रख रहा उनका। तो मैं तुरंत गई, मैं बैठी थी, तुरंत मैं गई ऊपर से, मतलब धीमी गति से चल रहा था, मैंने बैग उठाया, तुरंत रख दिया। तो उन्होंने बहुत मुझे धन्यवाद किया, बहुत आशीर्वाद दिया मुझे कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ, मैं बहुत पढ़ी लिखूँ, मैं टीचर बन जाऊँ। मतलब बहुत उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे कि मैं टीचर बन जाऊँ। बट ऐसा तो उनका आशीर्वाद लगा नहीं मुझे, तो मतलब लेकिन आशीर्वाद बहुत दिया। तो मुझे दिल को बहुत अच्छा लगा कि मतलब यार लोगों की हेल्प तो ज़रूर करनी चाहिए। कितना लोग उस चीज़ को कितना खुश होते हैं। तो फिर मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ ना, जिससे जिसका फ़ायदा होता है ना, वो उसी का मदद करता है। जिससे जिस बंदे का फ़ायदा नहीं होता, जिस बंदी का जिससे फ़ायदा नहीं होता है, वो उसकी हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार मैं इसका हेल्प क्यों करूँ, इससे मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो मैं क्यों इसका हेल्प करूँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अगर हमारे आसपास में, चाहे हम कहीं देखते हैं किसी चीज़ को कि वो परेशान है उस चीज़ से, अगर मेरी मदद उससे हो जाती है तो करनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने हमारी मदद की है। अगर आप लोगों ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं यहाँ आगे तक नहीं गई होती, और मुझे इतना बोलने का मौका नहीं मिलता आप लोग से, इतना बात करने का मौका नहीं मिलता आप लोग से। तो मैं मतलब इस चीज़ को बहुत सोच रही थी कि हमारा हाथ आप लोगों ने पकड़ा,
मैंने आप लोग का हाथ पकड़ा और यहाँ तक चलते चलते मैं चली आई। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे बात करूँगी, आप लोग से बात करूँगी, कुछ नहीं सोचा था। भगवान ने रास्ते दिखाए, मैं वहाँ पे चलते चलते चली गई। तो फ्रेंड मैं यही कहूँगी आप सब लोग, आप लोग के पास आसपास में जो भी हो, आप लोग जिसका हेल्प कर पा रहे हैं उसका ज़रूर करिए फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है, बहुत दुआ मिलती है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। पता है मैं एक बार बता रही हूँ, मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी, मैं थी और कोई और था मेरे साथ में, मुझे इतना याद नहीं है, मेरी माँ थी शायद। तो उस टाइम गंगा नहान चल रहा था और नहीं आर्मी वर्मी की साथ भर्ती चल रही थी कि पुलिस की, तो भर्ती चल रही थी, बहुत सारी भीड़ थे, बहुत सारे भीड़ लोग थे। तो हम देखे बहुत सारे यंग लोग थे उसमें, सब भरे भरे पड़े थे ट्रेन के डिब्बे में, बट कोई अपना सीट ना, जैसे बूढ़ी बुजुर्ग भी थी बेचारे लोग, नीचे बैठी थी सीट के उस पे, नीचे बैठी थी, वो लोग सीट पे बैठे थे, कम से कोई बंदा या बंदी कोई उठाने यंग था जो कि मतलब वो है उनको बैठा दें। एक जन को मैंने बोला कि आप थोड़ा सा हट जाइए, तो बोले ना कि मुझे, वो बोले ही, मुझे आज तक वो बात उनका याद है, मुझे बोले तो हम मतलब भोजपुरी में वो बोले, तो मैं कहाँ बैठूँगा, इसका कहने का मतलब वो बोले मैं कहाँ बैठूँगा। मैंने कहा यार बेचारी बूढ़ी हैं, हट जाते आप थोड़ा, तो कह रहे हैं कि तुम ही काहे नहीं अपने सर पे बैठा ले रही हो। मुझे इतना बुरा लगा कि आदमी को मैनर भी नहीं है बात करने का, कि मैं किस चीज़ से बात कर रही हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को, मतलब इस बंदी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ नहीं, मतलब वो बोल दिया। इतनी ट्रेन में भीड़ थी, इतनी ट्रेन में भीड़ थी कि मतलब पूछो नहीं आप, इतनी भीड़ थी। और कहीं मतलब पैर रखने की, और सारे जेंट्स, ज़्यादातर जेंट्स मैंने देखा अपने सीट पे बैठे रह गए, कोई अपने सीट से हिला नहीं। मैंने कहा यार मतलब दुनिया में मानवता ही ख़त्म हो चुकी है, कोई किसी का आजकल हेल्प नहीं करना चाहता। लेकिन बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी आगे तक हेल्प करोगे। मैं मतलब उस चीज़ को मैं भूल गई कि मैं तो अपने दिमाग में सेट कर ली थी कि दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं कि लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप लोगों ने मेरी हेल्प की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब मुझे, मैं अगर तकलीफ में होती हूँ तो मुझे आप समझाते हैं, बताते हैं इस चीज़ को लेके, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और लाइफ को इंजॉय करिएगा, ठीक है। हम भगवान से यही प्रे करेंगे, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसकी हर हर एक तमन्ना, हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम तो यही कहेंगे माता रानी से अपने कि वो सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दें, ठीक है फ्रेंड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज तो मैंने सुबह में तो ब्लॉग डाला नहीं था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और मन भी नहीं था मेरा, ठीक है फ्रेंड। मिलेंगे सुबह में नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, अब मिस नहीं करेंगे वीडियो, ठीक है, बाय, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। आप लोग हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, और जो ये मेरी मुस्कुराहट है ना, इसको हमेशा बरकरार रखिएगा, ये आपके हाथ में है, ठीक है, बाय।